तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया था कि किस तरीके से आप सिनेमेटिक वीडियो की शूटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग में मैंने बताया था कि आप सिनेमेटिक बार्स को कैसे ऐड कर सकते हो, सिनेमेटिक टेक्स्ट कैसे लगा सकते हो इंट्रो में या फिर मिड में, कहीं पर भी आप अपनी सिनेमेटिक वीडियोज में एडिटिंग के दौरान टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाइए। अगर आप एक अच्छा सा सिनेमेटिक वीडियो शूटिंग साथ साथ एडिटिंग करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन की मदद से, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने कहा था कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग एक सिनेमेटिक वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कलर करेक्शन या फिर कलर ग्रेडिंग, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये किसी भी वीडियो फुटेज को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि सिनेमेटिक फुटेज में, सिनेमेटिक वीडियोज़ में कलर करेक्शन और ग्रेडिंग कैसे किया जाता है अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में आपको एक छोटा सा कमेंट करना है। और वो चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ कमेंट करना है, आपको ये बताना है कि आपके पास अगर पीसी या लैपटॉप है तो फिर आपको लिखना है यस आई हैव पीसी और लैपटॉप, ताकि मैं आगे आने वाले समय में एडिटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर पर भी वीडियो बना सकूं, कुछ सॉफ्टवेयर्स पर भी वर्क कर सकूं और उस पर वीडियो बना सकूं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। और नहीं तो भैया बस यार मोबाइल एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन पर ही वर्क आगे हमारा जारी रहेगा। शुरू करते हैं फिर वीडियो को। सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन पर। अब यह काइनमास्टर एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में पूरी अगर आपको जानकारी चाहिए बेसिक लेवल पर और पूरी जानकारी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का या फिर आई बटन में, जरूर से उस प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाया है 2 वीडियोज़ के माध्यम से कुछ बेसिक ऑप्शंस कैटेगरीज के बारे में, उस पर हम कंटिन्यू काम वर्क करने ही वाले हैं, तो ज़रूर से उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है 2 फाइल्स। मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो जो सिनेमेटिक वीडियो थी उसमें बताया था, उस ट्यूटोरियल में, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैक्रो शॉट लेना है। यहाँ पर देखिए, दूर की चीज़ें ब्लर है और सामने की चीज़ें फोकस में, और इस प्रकार से मैंने 2 फुटेज यहाँ पर ले आई हैं। तो अब चलिए यहाँ पर ये जो 2 फुटेज है इनको हम पहले कट वगैरह कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और सिनेमेटिक बार्स ऐड करना हो गया, सिनेमेटिक टेक्स्ट ऐड करना हो गया, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं कलर करेक्शन की। तो देखिए दोस्तों, ये जो कलर है, कलर अभी करेक्शन हमने नहीं किया है, तो अभी ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अब दोस्तों, कलर करेक्शन हमें करना है तो हमें सिंपल उस लेयर पर टैप करना होगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट पर हमें टैप करना होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट में हमें कलर करेक्शन करनी होगी, लाइक ब्राइटनेस को इंक्रीज करना हो गया या फिर ब्राइटनेस को कम करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आउटसाइड में आपने शूट किया तो हो सके तो ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, ताकि थोड़ा लुक आपका इन्हेंस नज़र आए। चलिए हम थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इधर से इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा ब्लैक हो हमारा पार्ट, और सेचुरेशन को हमें छेड़खानी नहीं करनी है, और हाईलाइट्स को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हाईलाइट्स को, और शेडोज़ की बात रही तो शेडोज़ भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो। चलिए हम शेडोज़ को यहाँ पर छिड़कानी नहीं करते हैं, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कुछ इतना रखते हैं, टिक मार्क पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो फुटेज है कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कलर करेक्शन। अब कलर ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें भी हम चले यहाँ पर कलर फिल्टर पर जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर आपको बेसिक में ही मिल जाएंगे जो कि आप ऐड कर सकते हो अपने फुटेज में, और वो आपको एक बढ़िया सा सिनेमेटिक लुक दे देगा। ये देखिए, एक मैंने फिल्टर यहाँ पर ऐड किया है कुछ इस प्रकार से, जो कि ग्रीन ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए हम इसमें और ज़रा सा कलर करेक्शन करते हैं, इसके ब्राइटनेस को थोड़ा कम करते हैं कुछ इस प्रकार से, कंट्रास्ट को हमने इंक्रीज कर दिया, और आपको ज़्यादा भी चीज़ें नहीं करनी है और इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट और फिल्टर वगैरह ऐड करके कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया है। आप फिल्टर्स को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में फ़िल्टर्स ऐड कर दिया है, तो फिल्टर्स को आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। और एक यहाँ पर हमारा फुटेज है, तो इस पर भी अगर हमें यही सेम चीज़ें डालनी है तो हमें इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर कलर फिल्टर पर जाना है, और नीचे पर देखिए अप्लाई टू ऑल पर टैप करना है। अप्लाई टू ऑल पर जैसे हम टैप करते हैं तो ये जो फिल्टर है वो दोनों जितने भी आपको फुटेज हैं
सारे फुटेज में अप्लाई हो जाएंगे। देखिए इस फुटेज में भी अप्लाई हो गई हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो जो कलर फिल्टर है वो हो गई है ऐड, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं और एक बढ़िया सा कलर ग्रेडिंग और करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों सिनेमैटिक बार्स और एट्रैक्टिव बनाता है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, सीखते रहो सिखाते रहो मचाते रहो भाई लोग, बाय बाय।